केजरीवाल वर्सेस बीजेपी, स्कूल पर घमासान, केजरीवाल ने चली चाल तो भाजपा परेशान। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने अपने कार्यालय के बगल में स्कूल को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी स्कूल बनाने के लिए अपना कार्यालय तोड़ती तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता, लेकिन वह इसके उलट काम कर रही है, जो बहुत ही पीड़ादायक है। दूसरी ओर बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को आदतन झूठा बताया है। केजरीवाल ने पूर्वी विनोद नगर में एक स्कूल का उद्घाटन करने के बाद ये टिप्पणी की। बीजेपी ने उनके आरोपों को खारिज किया है। पार्टी ने केजरीवाल के इन आरोपों का खंडन किया है कि उसने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने नए केंद्रीय कार्यालय से सटे एक सरकारी स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है और वहां की इमारत को वह गिराने जा रही है। बीजेपी ने दावा किया कि स्कूल भवन कई वर्षों से खाली पड़ा है और वहां कोई विद्यालय नहीं चल रहा है। साथ ही पार्टी ने यह भी दावा किया है कि यह भवन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की भूमि पर है, जिसे दिल्ली नगर निगम MCD पहले ही भूमि पर कब्जा वापस लेने का नोटिस दे चुका है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि जहां आप सरकार नए स्कूल बना रही है, वहीं भाजपा अपना कार्यालय बनाने के लिए स्कूल को तोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया अगर वे स्कूल बनाने के लिए भाजपा कार्यालयों को तोड़ते हैं तो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, लेकिन ये बहुत दर्दनाक है कि वे स्कूल को तोड़ रहे हैं। भाजपा के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता आदतन झूठे हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।